नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान आमने सामने हुए। अनवर मंसूर ने मित्तल की तरफ हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर इस मुलाकात को टाल दिया। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान आतंकी हमलों के मद्देनजर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी अफसरों से हाथ नहीं मिलाया था। अदालत में सुनवाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जमकर घेरा। दीपक मित्तल और हरीश सालवे ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। हरीश सालवे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है और 13 बार गुजारिश करने के बावजूद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। दोनों वकीलों ने ही कुलभूषण जाधव को निर्दोष बताया। टीम न्यूज़ नुक्कड़।